हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टूडेंट्स, ये एक अनाउंसमेंट वीडियो है फॉर दी अपकमिंग सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए, जिनका अटेम्प्ट ड्यू है नवंबर 21 अटेम्प्ट। तो अन अकेडमी में स्टूडेंट्स, एक बहुत बेहतरीन एक प्रोग्राम एक अभी स्टार्ट हुआ है फॉर दी अचीवर्स बैच। ये स्टूडेंट्स, ये प्रोग्राम ये ऐसा है कि पूरी एक हैंड होल्डिंग है, जैसे कि आई थिंक यू मे बी अवेयर, और आपने बहुत लोग ने फाइनल में भी फायदा लिया है और ले रहे हैं फॉर ऑल आर सेशन जो हमारा चल रहा है अभी फिलहाल, स्पेशल बैचेस प्लस दी प्लस कोर्स एंड ऑल दिस थिंग्स, रिवीजन चल रहा है। और जो मेरे प्लस बैचेस भी हैं, तो उसमें भी देखा होगा कि यू हैव टेकन, उसमें भी काफ़ी इसके अंदर डिटेलिंग होती है, रिविजन्स काफ़ी हो जाता है, काफ़ी इंटेंसिव। अल्टीमेटली लाइफ प्लेटफॉर्म में ही एक मौका मिलता है हर एक एडुकेटर्स को अपना स्किल दिखाने का, और लर्नर्स को इसकी बेनिफिट पूरी मिलती है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स, एक काफ़ी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बनाया है फॉर द इंटर सीए स्टूडेंट्स ऑल्सो। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इसके लिए स्टूडेंट्स, देखिए क्या है ना, ये वर्चुअल वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए इंटर सीए वालों को या फाउंडेशन वालों को, वो हैंड होल्डिंग टिल द डे ऑफ द एग्जामिनेशन, क्योंकि अब तक का यही ट्रेंड रहा है कि आप जनरली फोकस करते हैं कि वो फेस टू फेस में कभी आ जाते होंगे तो टीचर सामने, लेकिन अब वर्चुअल वर्ल्ड में तो एक चीज होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द लाइव प्लेटफॉर्म है, लेकिन सिर्फ लाइव लेक्चर डिलीवर करना वर्सेस उसको हैंड होल्ड करना टिल द डे ऑफ द एग्जामिनेशन, ये एक बहुत ही बड़ा एक अल्टीमेटली, देन यू रिक्वायर रिसोर्सेस, जिसमें सिर्फ एडुकेटर नहीं, एक पूरा एक इकोसिस्टम है जो कि वो लेवल तक क्या है, स्टूडेंट्स को डिलीवरेबल्स दे, जो लर्नर्स हैं उनको डिलीवरेबल्स मिले, एंड दैट इज वेयर अन अकेडमी चिप्स इन। इनफैक्ट यही प्राइमरी वॉट वॉज वन ऑफ द रीजन ऑफ दिस एंटायर इको सिस्टम विच वॉज देयर इन प्लेस, दैट आई ऑल्सो हैव टेकन माई लेक्चर्स इन एन अकेडमी प्लेटफॉर्म, जो कि स्टूडेंट्स का जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिला है, लाइक इट इज बिन ओवरवेल्म्ड। सो एटलीस्ट आई डू नो दैट दी एंटायर पर्टिकुलर थिंग विच आई एम बिन डूइंग नाउ प्राइमरी जस्टिफाइज माई द एंटायर स्किल विच आई हैव, एंड इट बेनिफिट्स टू द एंटायर कम्युनिटी, टू द ऑफ द स्टूडेंट्स एट लार्ज। उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो स्टूडेंट्स, ये इंटर सीए का मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, इसके डिटेल्स बता देता हूँ। बैच 18 जनवरी से स्टूडेंट स्टार्ट होगा, तो प्लीज़ आप सबको बता दें ये प्राइमरी इनके बारे में। और देखो, प्लानिंग इसकी बैच की बहुत ज़बरदस्त हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सारे जो टॉप एडुकेटर्स हैं, मैं तो इनको काफ़ी लोगों को वैसे जानता भी हूँ, लेकिन ऑल ऑफ देम आर टॉप एडुकेटर्स फॉर देयर सब्जेक्ट्स एंड ऑल, विद अ वेरी हैंडसम एक्सपीरियंस इन दिस रिगार्ड। अब अगर प्लानिंग देखोगे ना स्टूडेंट्स, ये प्लानिंग ये मुझे बहुत बेहतर लगा है। अगर आप देखोगे इस चीज़ को, देखिए चालू अब जैन से हो रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में, इफ यू सी ओवर हियर, और फिर देखिएगा जैसे ग्रुप 1 कंप्लीट हो जाएगा, पूरा शेड्यूल आपको अल्टीमेटली मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि डे वाइज आपकी पूरी शेड्यूल आपकी बन जाती है। तो मई में ये ग्रुप 1 का आपका पूरा पेपर्स कंप्लीट हो जाते हैं, फिर आप जून से 31 मई को कंप्लीट डेडलाइन होगा, फिर जून से आप चालू करेंगे ग्रुप 2, अगस्त तक ग्रुप 2 को कंप्लीट करने का पूरा पूरा प्लान टाइम टेबल रेडी है, और फिर बाद में शुरू होगा, यानी कि एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया कि आपको छुटकारा मिल जाएगा, नहीं, आपको प्राइमरी इस पूरे प्रोसेस में ऑल दीज एडुकेटर्स एंड एन अकेडमी टीम वुड बी देयर विथ यू इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर एंड द क्रिटिकल मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर दोज एसेंशियल प्रैक्टिस एंड द लास्ट मिनट रिविजन फॉर द कंसॉलिडेशन ऑफ योर 8 पेपर्स। एंड दैट इज नॉट ओनली दैट, जो नवंबर में जो चल रहा है, जो मैं भी अभी इनफैक्ट कर रहा हूँ फॉर फाइनल सी ए स्टूडेंट्स, फॉर वेयर अ डे बिफोर एग्जामिनेशन जो हमारा मैराथन रिविजन है, वहाँ तक हैंड होल्डिंग की जा रही है। तो आई थिंक ये वैल्यू बहुत ज़बरदस्त है। इनफैक्ट ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव बिन देयर, फीडबैक स्टूडेंट्स आप ले लें तो आपको खुद पता है, बहुत बहुत लोग तो अल्टीमेट एक्सपीरियंस कर भी रहे, तो यू डू नो हाउ द थिंग्स आर बिंग कंडक्टेड इन सच अ इंटेंसिव मैनर। और सबसे बेहतरीन और एक चीज़ है, पहली बात तो ये लाइव है, तो लाइव में आपने खुद देखा है कि स्पेशल क्लास में, जिसमें काफ़ी हम फास्ट रिविजन भी करते, तब भी बच्चे वहाँ पे क्वेरी पूछते हैं, वी आर अटेंडिंग टू दिस। ये तो एक नॉर्मल प्रोग्राम है, प्लस को प्रोग्राम, यहाँ तो एक एक जो भी क्वेरीज आती रहेंगी स्टूडेंट्स को एड्रेस किया जा रहा है। मैं तो बता रहा हूँ कि स्पेशल क्लास जो हम लोग ले रहे हैं, जो एक फ्री है स्पेशल क्लास, तो उसमें भी तो क्वेरीज आ रही है, वी आर अटेंडिंग टू ऑल दीज क्वेरीज ऑन अ रियल टाइम बेसिस। तो ये एक बहुत बेहतर फीचर है अबाउट दिस पर्टिकुलर फैक्टर। दूसरी बात, जो इंटरनेट कंजम्पशन जो स्टूडेंट्स के एनपीओ का काफ़ी मिनिमल,
इनका जो सॉफ्टवेयर जो इस्तेमाल करते हैं जिसके वजह से जो इंटरनेट कंजम्पशन स्टूडेंट्स के, जैसे अपन यूट्यूब यूट्यूब देखते हैं उसी तरीके से, तो ये भी एक बहुत बड़ी फीचर है इस कॉन्टेक्स्ट में। एंड फाइनली स्टूडेंट्स, और एक बात जो है इस पैंडमिक में जानते हैं इकोनॉमिकली सबको काफ़ी एक बड़ा हिट लगा हुआ है, तो जब आपका पूरा इंटरेस्ट सी ए 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके 17,500 में ही कंप्लीट हो जाए, आप सोचिए स्टूडेंट्स, इससे ऊपर ये बेनिफिट स्टूडेंट्स ये मिल नहीं सकता है। और तो और आप अगर बोल दें अपने जो भी फ्रेंड्स हैं या जिनको करना होगा इंटर सी ए जिनका नवंबर 21 में, ये कोड लगवा दीजिए, और एक सब्सक्रिप्शन कोड का वो आएगा CADS बोल दीजिए का कोड लगाने के लिए, 17,500 का और 10% आपको डिस्काउंट मिल जा रहा है, मतलब कि पकड़ लीजिए कि 15,000 15,500 में आपने पूरी इंटर सी ए लाइफ एंड ऑल द फैसिलिटीज टिल द डे ऑफ द एग्जामिनेशन करके आपको इतना सुनहरा मौका स्टूडेंट्स नहीं मिलने वाला है। एंड दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू बी ग्रैब, सिंसियरली बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई चलो ये प्रमोशन है वो तो कर ही रहे, वो तो चलो है ही है, लेकिन एक होता है ना कि भाई पता है कि क्या गलत है क्या सही है, उसमें कोई वो चीज़ नहीं है, आप खुद ही देख लीजिए ये सब चीज़ें अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है, आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। सो देयर फॉर प्राइमरी जो भी स्टूडेंट्स होंगे जिनका अटेम्प्ट होगा अपकमिंग नवंबर में, प्लीज़ उनको आप बताएं इस बारे में, एंड आई कैन अश्योर यू द डिलीवरीज वुड बी वेरी टॉप क्लास, एंड लेट ऑल दी स्टूडेंट्स टेक दी बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर opportunity at the an academy platform. Okay, all the best students, may God bless to all of you and wish you all a happy 2021. Hopefully the things are going well, and definitely it will go well further as well. See you then students, thank you.